गाइस मिड रेंज प्राइस के स्मार्टफोन सीरीज ओप्पो एफ सीरीज इंडिया के अंदर बहुत ही एक पॉपुलर स्मार्टफोन सीरीज है। हर साल ओप्पो फैंस वेट करता है एफ सीरीज के नए स्मार्टफोन को लेके। तो इस साल 2021 के अंदर ओप्पो एफ सीरीज के अंदर दो डिवाइस को लॉन्च किया गया, ओप्पो f22 प्रो। दोनों स्मार्टफोन का हाईलाइटिंग फीचर्स, काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स निकल के सामने आ चुका है। जैसे ओप्पो f22 प्रो स्मार्टफोन आएगा 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर के साथ, जिस कैमरा से आप 4K वीडियो 8K वीडियो शूट कर पाओगे विथ OIS का सपोर्ट मिलने वाला है। तो कैमरा क्वालिटी का भी बेहतर के साथ साथ यहाँ पे आपको एक कंप्लीट 5G डिवाइस होगा, जिसके अंदर आपको एक पावरफुल प्रोसेसर मिलने वाला है जो मीडिया टेक डायमंड सिटी 1200 का लेटेस्ट पावरफुल प्रोसेसर, जिससे आप काफ़ी हैवी गेमिंग कर पाओगे। लेटेस्ट लाइक पबजी COD हाई ग्राफिक्स वाले गेम प्ले बहुत ही इसी तरीके से कर पाओगे। साथ साथ बहुत ही प्रीमियम डिस्प्ले विथ 6000 mAh का पावरफुल बैटरी विथ टाइप सपोर्ट के साथ काफ़ी पावरफुल लेटेस्ट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। तो ओप्पो f22 प्रो स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर होने वाले, काफ़ी सारे लेटेस्ट फीचर के साथ आएगा। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ ही मैं बताऊंगा कि ओप्पो f22 प्रो स्मार्टफोन को कब तक एंड कितने प्राइस के अंदर इंडिया मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो सारी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मैं इस वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट रखता हूँ, आई होप कि यहाँ पे पूरा कर दोगे। चैनल पर अगर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, कुछ पूछना हो मेरे से बात करना हो मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। गाइस ओप्पो f22 प्रो स्मार्टफोन मिड रेंज प्राइस के अंदर एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन होने जा रहा है। इस स्मार्टफोन के अंदर देख पाएंगे फ्रंट एंड बैक साइड फुल्ली ग्लास बॉडी ग्रेडियंट कलर के साथ आएगा। बैक साइड देख पाएंगे क्वाड रियर कैमरा सेटअप, जिसमें मेन प्राइमरी सेंसर दिया जाएगा 108 मेगापिक्सल का, जिससे आप काफ़ी बेहतर फोटो वीडियो क्लिक कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको सोनी IMX का लेटेस्ट सेंसर यूज़ किया जाएगा। सेंसर के साथ आपको 4K एंड 8K वीडियो रिकॉर्ड का सपोर्ट मिल जाएगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, OIS का सपोर्ट भी दिया जाएगा, यानी कि ऑप्टिकल का सपोर्ट दिएगा, जिससे आप काफी स्मूथ तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, वीडियो क्वालिटी काफी बेहतर प्रोवाइड करेगा। एंड बाकी जो तीन सेंसर दिए जाएगा, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 5 मेगापिक्सल यहाँ पे मैक्रो लेंस दिया जाएगा। तो नोटो गाइस यहाँ पे चारों कैमरा से आप काफी बेहतर फोटो वीडियो शूट कर पाओगे। फ्रंट साइड देख पाएंगे 6.7 इंच का एक OLED पैनल डिस्प्ले, जिसके अंदर फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन। गाइस यहाँ पे आपको OLED पैनल के साथ 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश का स्मूथ एक्सपीरियंस दिया जाएगा, जिससे आप टच रिस्पॉन्स या फिर आप बोल सकते हो गेमिंग के टाइम टच सैंपल काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। डिस्प्ले बहुत ही प्रीमियम होगा, यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी दिलने वाला है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पंच होल कटआउट, जिसमें आपको सिंगल सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। सेल्फी कैमरा भी काफ़ी प्रीमियम होने वाला है, 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिससे आप काफ़ी बेहतर सेल्फी ले पाएंगे। एज इंटरेस्टिंग बात, इसमें भी आपको OIS का सपोर्ट दिया जाएगा, यानी कि ऑप्टिकल इमेज का सपोर्ट देने वाला है। फ्रंट कैमरा से भी काफ़ी बेहतर आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, ब्लॉगिंग की तरह आप यूज़ कर पाओगे, ब्लॉग कर सकते हो स्मार्टफोन से। तो यूट्यूबर के लिए भी स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो कैमरा क्वालिटी का इस नो डाउट बहुत ही प्रीमियम होगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का मेन हाईलाइट फीचर, जो है स्मार्टफोन का प्रोसेसर। जैसे कि यह स्मार्टफोन एक कंप्लीट 5G स्मार्टफोन होगा। इस स्मार्टफोन के अंदर देख पाएंगे मीडिया टेक डायमंड सिटी 1200 का लेटेस्ट चिपसेट, जो 7 नैनोमीटर से बना हुआ बहुत ही एक पावरफुल लेटेस्ट चिपसेट है। ड्यूल 5G को सपोर्ट करता है एंड स्पेशली गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। काफ़ी सारे लेटेस्ट हाई ग्राफिक्स का गेम लाइक पबजी COD हाई ग्राफिक्स गेम इस स्मार्टफोन से काफ़ी इसी तरीके से आप खेल पाओगे, अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड स्पेशली गेमर्स के लिए भी ये स्मार्टफोन काफ़ी तगड़ा होने वाला है। तो पहली बार ओप्पो फैन के लिए यहाँ पे गेमिंग स्मार्टफोन होने जा रहा है ओप्पो f22 प्रो स्मार्टफोन, जो वेरिएंट मिलने वाला है 6GB 128GB एंड 8GB 256GB का। दो अलग अलग आपको वेरिएंट मिलने वाला है। UFS 3.1 का लेटेस्ट स्टोरेज एंड DDR4 का रैम सपोर्ट आपको मिलने वाला है, जो यूजर एक्सपीरियंस एंड दोस्तों डेली टास्क के लिए डेली यूजर्स के लिए काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का बैटरीज को लेके। तो स्मार्टफोन के अंदर देख पाएंगे काफ़ी विगर बैटरी, जो 6000 mAh का बैटरी विथ टाइप सी पोर्ट के साथ यहाँ पे 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। तो बैटरी भी काफ़ी पावरफुल होगा एंड फास्ट चार्जिंग भी काफ़ी बेहतर प्रोवाइड करेगा। ये स्मार्टफोन को लेकर अभी तक ओप्पो की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया, जो मैं बताया सब कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग। बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन इसी साल के अक्टूबर महीने तक लॉन्च किया गया इंडिया मार्केट के अंदर। एंड इस बार ओप्पो एफ सीरीज थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको काफी सारे लेटेस्ट फीचर्स मिलने वाला है। तो ओप्पो f22 प्रो स्मार्टफोन एक कंप्लीट 5G एंड एक फ्लैगशिप फीचर्स प्रोवाइड करेगा। पावरफुल बैटरी, चिपसेट, कैमरा, डिस्प्ले सब कुछ लेटेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस स्मार्टफोन का प्राइस थोड़ा हाई हो सकता है, बताया जा रहा है कि 30,000 के आसपास इस स्मार्टफोन का प्राइस होने वाला है। तो इस
वीडियो के अंदर ओप्पो F22 सीरीज के बारे में इतना गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, जय हिंद।